नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में मैंने खेल पुरस्कार और सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, 25 प्लस क्वेश्चन लिए जो हाल ही में टीम विजेता टीम रही है, जिनको सम्मान दिया गया है, स्वर्ण पदक, ये सभी पदक दिए गए हैं, वो सभी क्वेश्चन लिए हैं। इसलिए सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे SSC या फिर स्टेट लेवल की MP पुलिस, UPSI, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वर्ष 2023 में टाटा IPL का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए दे रखा गुजरात टाइटन्स ने, ऑप्शन बी दे रखा राजस्थान टाइटन्स ने, ऑप्शन सी दे रखा मुंबई टाइटन्स ने, ऑप्शन डी दे रखा चेन्नई सुपर किंग्स ने। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग्स। याद रखिएगा, चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटन्स को हराकर खिताब जीता है। और याद रखिएगा, यह कौन सा संस्करण था, 16वां संस्करण। ये भी याद रखिएगा कौन सा संस्करण, 16वां संस्करण था। और ये भी याद रखिएगा कि पर्पल कैप किसे दिया गया है, मोहम्मद शमी को दिया गया है पर्पल कैप। और याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि ऑरेंज कैप किसको दिया, तो शुभमन गिल को दिया है, गुजरात टीम के हैं, याद रखिएगा दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन सेकेंड क्या दे रखा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पद तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए दे रखा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा, ऑप्शन बी दे रखा है पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी दे रखा है मैंगलोर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी दे रखा है कोई नहीं। राइट आंसर इसका बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पे ये कहाँ पर हुए थे, यूपी में हुए थे, याद रखिए। कौन सा संस्करण था, 3रा संस्करण था, ये भी याद रखिएगा। और कौन सी टीम विजेता रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी रही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए दे रखा हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। याद रखिएगा, पहले शीर्ष पर कौन रहा है और ये कहाँ पर हुआ था, भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया था ये भोपाल में। और ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5वां संस्करण है, ये भी याद रखिएगा। और साथ में रखिएगा कि महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पर हरियाणा है। अगर आपसे हरियाणा के बाद तीसरे नंबर पूछा जाए तो कौन है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इंटरकनेक्टेनल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए दे रखा लेबनान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी दे रखा है मंगोलिया। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत। याद रखिए, इंटरकंटिनेंटल फुटबॉल कप याद रखिए भारत ने जीता है। मैंने जो भारत ने जीते हैं वो सभी क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन, अगर आपसे फ्रेंच ओपन पूछा जाए कि किसने जीता है, ऑप्शन ए दे रखा कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन बी दे रखा है आंद्रे रकवेल, ऑप्शन सी दे रखा है राफेल नडाल, ऑप्शन डी दे रखा है नोवाक जोकोविच। राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा। देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंच ओपन किसने जीता है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिए क्वेश्चन है, ये जीता है नोवाक जोकोविच ने जीता है। और कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। और याद रखिए, फीमेल में किसने जीता है, ईगा स्वीटेक, याद रखिएगा ईगा स्वीटेक ने जीता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए दे रखा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब किस टीम ने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और हाल ही में जीता है, याद रखिएगा। और किसको हराकर जीता, भारत को हराकर जीता है, ये सभी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए दे रखा उरुग्वे, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्राज़ील। राइट आंसर बताइएगा कौन सा, फीफा अंडर 20 याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उरुग्वे। किसने जीता है, उरुग्वे ने जीता है फीफा अंडर 20। किसको हराकर जीता है, इटली को हराकर जीता है, याद रखिएगा फीफा अंडर 20। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए दे रखा नीदरलैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी दे रखा बेल्जियम, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी। याद रखिएगा ये फीफा पुरुष हॉकी विश्व कप है और किसको हराकर जीता है, याद रखिएगा जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है फुटबॉल टूर्नामेंट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन दे रखा जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी दे रखा उरुग्वे, ऑप्शन डी दे रखा अर्जेंटीना। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए फुटबॉल टूर्नामेंट है ये, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। फीफा विश्व कप, अगर आपसे फीफा फुटबॉल विश्व कप पूछे तो किसने जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हरा कर जीता, उपविजेता जरूर पूछा जाता है, तो याद रखिए फ्रांस को हरा कर जीता है। ये सभी फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है बैडमिंटन टूर्नामेंट 13वां सुधरी अमन कप किसने जीता है। ऑप्शन ए दे रखा है फिजी ने, ऑप्शन बी दे रखा है चीन ने, ऑप्शन सी दे रखा है रूस ने, ऑप्शन डी दे रखा है फ्रांस ने। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन। याद रखिए कौन सा टूर्नामेंट सुधीर रमन कप पूछा जाए तो किसने जीता है, चीन ने जीता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है लोरियंस स्पोर्टमैन्स ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए दे रखा है आमेंडो मारडोना, ऑप्शन बी लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी मुख्तार डहाली, ऑप्शन डी दे रखा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लियोनेल मेसी। याद रखिएगा लियोनेल मेसी कहाँ के हैं, ये कमेंट में बताइएगा आप। इनको कौन सा पुरस्कार दिया है, याद रखिए लोरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है महिला प्रीमियर लीग WPL मतलब ये पहली बार खिताब हुआ है और किस टीम ने जीता है, ये बताइएगा। ऑप्शन ए दे रखा है दिल्ली कैपिटल, ऑप्शन बी दे रखा है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी दे रखा है यूपी वॉरियर, ऑप्शन डी दे रखा है गुजरात जायंट्स। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई इंडियंस ने जिन्हें जीता है महिला प्रीमियर लीग। याद रखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पहली बार हुआ था महिला प्रीमियर लीग और मुंबई इंडियंस ने जीता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है महिला हॉकी जूनियर एशिया कप। देखिए अब ये एशिया कप है तो किस देश ने जीता है। ऑप्शन ए दे रखा है जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नेपाल। राइट आंसर इसका क्या बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत। देखिए जितने क्वेश्चन भी करा रहा हूँ सभी भारत के लिए ये हैं, जो भारत ने जीते हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सभी एग्जाम के लिए। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप की बात करेंगे तो भारत ने जीता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप। देखिए फीफा क्लब विश्व कप की बात करें तो किसने जीता है। ऑप्शन ए देखा रियल मैड्रिड, ऑप्शन बी चेल्सी एफसी, ऑप्शन डी दे रखा बार्सिलोना एफसी, ऑप्शन डी दे रखा है मैनचेस्टर सिटी। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियल मैड्रिड। याद रखिए पांचवीं बार इन्होंने खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। कौन सा पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा फीफा क्लब विश्व कप। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है रणजी ट्रॉफी। देखिए रणजी ट्रॉफी अगर आपसे पूछा जाए तो किसने जीती है। ऑप्शन ए दे रखा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी सौराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौराष्ट्र ने। रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, सौराष्ट्र ने जीती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है देखिए लगातार तीसरी बार ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए दे रखा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी दे रखा है दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। देखिए आपको बता दूं कि यह तीसरी बार जीता है, लगातार तीसरी बार ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है लोरियंस स्पोर्टमैन वुमेन ऑफ द ईयर का किताब किसने जीता है। ऑप्शन ए दे रखा है सेली एन फ्रेजर प्रीज, ऑप्शन बी नाओमी ओसाका, ऑप्शन सी सेरेना विलियम्स, ऑप्शन डी दे रखा है एलेन थॉम्सन हेरा। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेली एन फ्रेजर प्रीस। देखिए अभी मैंने आपको लोरियंस स्पोर्ट मेल का बताया था आपने, तो मेल में किसने जीता है आपको लियोनेल मेसी ने जीता है, और फीमेल का बात करेंगे तो सेली एन फ्रेजर प्रीस ने जीता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए दे रखा कर्नाटक, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक ने जीता है फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है पुरुष में। ऑप्शन ए दे रखा कार्लोस अल्कराज ने, ऑप्शन बी केप्सलर रूस ने, ऑप्शन डी राफेल नडाल ने, ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच ने। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोवाक जोकोविच है, सर्बिया के हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है और फ्रेंच ओपन भी जीता है,
फ्रेंच ओपन भी। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि फीमेल में किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो मैंने आपको बता दिया था कि आर्यन सबलेंकना ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन फीमेल में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है जूनियर विश्व कप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए देखा पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पांचवा। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्थान है भारत का जूनियर विश्व कप में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के डेकाथन में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए देखा स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है सुनील कुमार ने। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है एथलेटिक्स से याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है बैडमिंटन टूर्नामेंट थाईलैंड ओपन का पुरुष खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए देखा कुनला बूथ ने, ऑप्शन बी देखता विक्टर एक्सेलसन ने, ऑप्शन सी मोहम्मद एहसान ने जीता है, ऑप्शन डी दे रखा है सात्विक राज रेड्डी ने। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुनलाबूत बीतिर दर्शान ने जीता है, थाईलैंड के है याद रखिएगा, थाईलैंड का खिताब भी जीता है इन्होंने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है लॉरियंस स्पोर्टमैन वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको बता दूं कि ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन दे रखा है सेली एन फ्रेजर फ्रीज ने, ऑप्शन बी नाओमी ओसाका, ऑप्शन सी सेरेना विलियम्स ने, ऑप्शन डी एलेन थॉम्पसन हेरा ने। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा सेली एन फ्रेजर फ्रीज ने जीता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ऑप्शन ए दे रखा है राहुल श्रीवास्तव, ऑप्शन बी दे रखा है बुपला प्रवीण प्रणीत, ऑप्शन सी दे रखा है प्रणन आनंद, ऑप्शन डी भरत सुब्रमण्यम। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुपला प्रणीत, याद रखिए बुपला प्रणीत ने जीता है 82वें ग्रैंड मास्टर। हर एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 81वें पूछा जा सकता है, 80वें पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है पुरुष में। ऑप्शन ए दे रखा कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन बी कैप्चर खुड, ऑप्शन सी दे रखा राफेल नडाल, ऑप्शन डी दे रखा डेनियल मेदवेदेव, रूस के हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव, याद रखिएगा इन्होंने इटालियन ओपन का खिताब जीता है। फ्रेंड आज का सेशन यहीं तक रहेगा, जितने भी खेल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आईएमपी बन सकते थे, वो मैंने सभी आज के सेशन में 25 क्वेश्चन लिए थे। आपको बता दूं कि इसके अलावा आप सो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नेक्स्ट टॉपिक जिस वीडियो पर चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में।